हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉबनी 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2000 आपका 21 के बारे में। 2021 क्या, अभी फिजिकल कब से स्टार्ट है आप सबको पता है, 15 मई से आपकी फिजिकल स्टार्ट है। इसके फिजिकल चलने वाले आपके 9 जून तक। कितने तक? 9 जून तक आपके इसके फिजिकल चलने वाले दोस्तों, आपको पता है सबको। पर अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं वो यही है कि सर हम फिजिकल कैसे पास करें, अपना कोई एक्सपीरियंस दीजिए। बिल्कुल आपको वो चीज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल एक एक चीज को आप यहाँ पर क्लियर कर दूंगा दोस्तों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ऑल इंडिया जॉबनी 0.2 पर यदि पहली बार और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो सीखने वाला कैंडिडेट है वो आपको बता सकता है, उतना आपको कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल हकीकत मैंने किया हुआ है, सब कुछ मैंने कर रखा है, तभी मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने एसएससी जीडी का फिजिकल कब किया था, कैसे क्या हुआ था, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बता दूं आपको, मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ था आपका यहाँ पर 2015 के अंदर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर देखो हुआ था तब हुआ था, भाई अभी फिजिकल तो पहले कहाँ से लिया हूँ मैं। यहाँ से जी डी 2015 का मेरा फिजिकल हुआ था, मैं बिल्कुल आपको विथ प्रूफ आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये तो रहा मेरा एडमिट कार्ड, बिल्कुल मैंने सेफ रख रखा है दोस्तों इसको। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये मेरे रोल नंबर रहे, ये मेरे रोल नंबर रहे भाई 200। आप देख सकते हैं इसको पूरा डिटेल से, आप देख सकते हो दोस्तों। यदि आपको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल आप ध्यान से देख लो इसको, पूरा का पूरा एडमिट कार्ड है, रियल हकीकत एडमिट कार्ड है, कहीं फेक नहीं है। आप कई बच्चे बोलेंगे ये भाई मेरा इस वक्त आपकी हाइट थी 177, आपकी यहाँ पर चेस्ट था मेरा 80 से 85, वेट था यहाँ पर 164 यानी 64 kg, ये मेरा वेट था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से देखिए, ये मेरा पूरा पता है, यहाँ पर मेरी देखो फोटो लगी हुई है दोस्तों। बिल्कुल आपका एसएससी का ये मेरा एडमिट कार्ड था। मेरा फिजिकल सेंटर कब था मैं बता दूं आपको, मेरा पीटी था 16/6/2015 यानी 16 जून को मेरा यहाँ पर पीटी था। बात करता हूँ 16 जून का कहाँ था, तो मेरा बीएसएफ हेडक्वार्टर जो आपका श्रीगंगानगर के अंदर पड़ता है राजस्थान के अंदर, वहां मेरा पीटी पीएचटी होने वाला था दोस्तों। बात करता हूँ बिल्कुल आपको पास का भी आपको दिखाऊंगा मैंने पास कैसे किया था। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर बात करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी 6 AM पर, यहाँ पर 6 AM पर आपको एंट्री दी जाएगी। जैसे आप एंट्री हो गए आपसे एक लाइन बनवाई जाएगी, लाइन बना के आपको यहाँ पर थोड़ी दूर ले जाया जाएगा, आपको 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आपको यहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर ले जाने के बाद में आपसे क्या करेंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म होगा, फॉर्म में आपको भरवाएंगे, फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा कैसा फॉर्म होगा। 3 पेज का आपका फॉर्म होगा, 2 पेज वो रखेंगे, 1 पेज आपके पास रखना है दोस्तों, बात यहाँ पर रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर दो आपका 3 फॉर्म आपसे भरवाएंगे, सेम सेम फॉर्म होंगे, कहीं कहीं आपको मिस्टेक नहीं करनी है उसमें। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पापा नाम, ये सब कुछ भराया जाता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल फॉर्म होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टेस्ट नंबर दे दिया जाता है, टेस्ट नंबर जैसे आपको मिलता है उसके बाद में आपको यहाँ पर, जैसे हमारे गंगानगर में क्या हुआ था दोस्तों, हमें एक ट्रक में भरा गया, ट्रक में 150 बच्चों को आपका ले गया, दो ट्रकों के अंदर, और 150 बच्चों को ले जाकर 5 किलोमीटर हमें छोड़ दिया गया। 5 किलोमीटर रोड के ऊपर दौड़ हुई दोस्तों, ये बात बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर रोड के ऊपर दौड़ हुई, हमने दौड़ा, मैंने दौड़ मारी वहां पर उस वक्त 17 मिनट और 35 सेकंड के लगभग, उस वक्त मैंने 17 मिनट 35 सेकंड के, अब इसमें 24 मिनट में मारो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पर सब बराबर भाई, 24 मिनट में आपकी यहाँ पर दौड़ होने वाली। बिल्कुल आपको एक वीडियो और मिल जाएगा कि अब हम 10 मिनट 10 दिन में कैसे तैयारी करें एसएससी जीडी की, कैसे फिजिकल पास करें, किस प्रकार से तैयारी करें कि हम यहाँ पर दौड़ निकाल सके। बिल्कुल कल डिटेल में एक वीडियो मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसके अंदर पूरा आपको बता दूंगा किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, ये बात है ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज होती है बाद में आपसे क्या करवाया जाता है, मैंने यहाँ पर पास करे, जैसे हमने दौड़ पास की यहाँ पर 150 बच्चों में से हमने लगभग यहाँ पर दौड़ पास की थी 80 बच्चों के लगभग, 80 से 85 बच्चों के लगभग यहाँ पर दौड़ पास की। मुझे आज भी याद है, पूरे कई बच्चों के मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, और कई बच्चे हमारे गांव के भी थे उस ग्रुप में, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास अभी भी सेव कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है ना, वो बात बता दो आपको। 80 से 85 आपके बच्चे पास हुए, उसके अंदर से बता दो आपको चेस्ट के अंदर आपके नॉर्मली यहाँ पर 3 से 4 बच्चे यहाँ पर फेल किए गए, बाकी हाइट में तो जो फेल है उसको हाइट में फेल किया गया, 7 बच्चे यहाँ पर हाइट में फेल किए गए दोस्तों। बात करता हूँ टोटली यहाँ पर 10 बच्चे फेल हुए, मतलब 70 बच्चे यहाँ पर पास हुए, लगभग आपका यहाँ पर जो आपका 47 से 48% बच्चे यहाँ पर पास हुए दोस्तों, ये बात आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद जो हायर चेस्ट वेट होने के बाद, चेस्ट भी आप 2 बार 3 बार नहीं, 5 बार 7 बार 10 बार भी आप, यदि इच्छा हो तो आप यहाँ पर 10 बार भी आप नपा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट आपका वो नाप देंगे पूरा। हाइट एक बार कम है तो कम ही है, हाइट में कोई दिक्कत नहीं होने वाले, डिप्स वगैरह आप काट के आराम से चेस्ट नपा सकते हो, ये चीज आपको मैंने बता दी। अब बात आती है यहाँ पर कि सर आपका अपना प्रमाण पत्र दिखाओ, तो देखो मैं यहाँ पर मेरा प्रमाण पत्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पर एक
कोई नहीं दिखाता, यदि दिखाता तो बता दो। मैं YouTube के ऊपर पहला वीडियो डाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं मेरा खुद का प्रमाण पत्र दिखा रहा हूँ भाई, मैंने कैसे पास किया था। बिल्कुल देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखो फॉर्मेट ऑफ द फिज आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द कॉन्स्टेबल जीडी, फॉर द सीएपीएफ, फॉर द ईयर 2015। ये कैंडिडेट कॉपी है मेरे पास, ऑफिस कॉपी, और आपके जो सेंटर कॉपी वो आपके वहां रखते हैं। नेम ऑफ द फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये कैटेगरी मैंने डाल रखी है, जेंडर डाल रखा, और आपका जो आपका हाथ काम करता है वो डाल रखा है। पीटी हाइट बार, आपका हाइट बार सबसे पहले आपका हाइट नापा जाता है, हाइट बार मैंने यहाँ पर पास कर लिया दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर रेस होती है, रेस 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसके अंदर मैंने वहां पर क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाइड पे टिक लग रहा है दोस्तों। ये बात है, कोई भी मैंने यार यहाँ पर स्प्रिंट तो की नहीं, काटा पीटी मैंने नहीं कर रखी। बात करता हूँ यहाँ पर जनरल ओबीसी जो, इसके लिए 170 सेंटीमीटर है, और इसके फीमेल का 157 है, तो मेरी 170, तो मैं यहाँ पर पास हो गया दोस्तों। बात आती है, ये मेरे लिए लागू नहीं है, ये किन के लिए, मैक्सिमम होल्ड आपका द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ बिलोंग शेड्यूल ऑन ट्राइब, यहाँ पर 162 सेंटीमीटर मांगे गया। मैक्सिमम शेड्यूल द कैंडिडेट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनके लिए आपका 160 मांगा गया। मैक्सिमम ऑफ द यहाँ पर डोगरा, कुमायूं, ये जो आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इनके लिए 165 मांगा गया। यहाँ पर जो आपका अदरवाइज जो जम्मू कश्मीर वगैरह आपका आता है, यहाँ पर जो गुजरात में ये वगैरह दंगे वगैरह, तो उसके लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया, ये हाइट का है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर चेस्ट, चेस्ट मेरा नॉर्मल था भाई, चेस्ट मैंने 80 से 85 सेंटीमीटर, चेस्ट उस वक्त कम था, अभी तो चेस्ट मेरा भी 90 से 95 या 100 तक में यहाँ फुला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर तक था, ठीक है ना दोस्तों। यह मेरा वेट आपका 64 केजी था, यानी 74 केजी मेरा उस वक्त वेट था दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे, अरे ठीक है ना। ये देखा, अब देखो फाइनल रिजल्ट मैंने देखा, 1.5 किलोमीटर आपका, 5 किलोमीटर, एक यानी 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मैंने यहाँ पर क्वालिफाइड करा, हाइट बार पास करा, फिजिकल स्टैंडर्ड पास कर रखा, ये मेरे सिग्नेचर है, और ये जो आप ऑफिसर है वहाँ के सिग्नेचर है। ये चीज आपको कोई दिखाता है क्या यूट्यूब के ऊपर? अब चीज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से देख लो। अभी क्या बच्चे हैं कि 10 दिन आपके पास बचे, 10 दिन में आपको एक तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन 1% भी नहीं लेनी है। टेंशन आप ले लिया मतलब आपका मनोबल डाउन होगा, आप वहां पर 50% फेल हो जाओगे, ये बात आप ध्यान, घबराना नहीं है, अपने फौजी बनने जा रहे, फौजी कभी घबराता नहीं है, बाधाएं आती रहती है, बाधाओं को पार करके हमें जाना था। ऐसी जिंदगी क्या जिसके अंदर आपकी चुनौतियां ना हो, भगवान चुनौती भी उनको देता है जो स्वीकार करने की हिम्मत रखता है, पास भी आपको किया क्योंकि आप में ही वो हिम्मत थी जो फिजिकल पास हो गया। यार वो बंदे भी, हाँ मान रहा हूँ बहुत सारे बंदे भी फिजिकल पास लेने की बजे, पर उन्होंने मेहनत नहीं की, आपने मेहनत की उस चुनौती को पार किया रिटर्न को, और अब चुनौती दूसरी आपके सामने, उसको पार करेंगे, उसके बाद मेडिकल को पार करेंगे, फिर हम टर्निंग पे जाएंगे, टर्निंग पे जाते वही चुनौती, उसके बाद हम जैसे ड्यूटी पे रहेंगे वही चुनौती रहने वाली, मतलब लाइफ के अंदर चुनौती नहीं है तो मतलब आपके पास कुछ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चुनौती को स्वीकार करना सीखो, स्वीकार हमें करना है, बिल्कुल घबराना बिल्कुल भी नहीं, 10 दिन के अंदर भी SSC GD का फिजिकल निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपका कल सुबह मॉर्निंग में बनाकर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग में वीडियो डाल दूंगा पूरी डिटेल से साथ कि किस प्रकार से आपको क्या कुछ करना है, वो डिटेल भी आपको बता दूंगा। बात आती है यहाँ पर कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक तो आपको घबराने है, दूसरी बात आपको यहाँ पर अभी आपको एक दिन भी आपको यह नहीं करना भाई मैं कल दौड़ूंगा परसों दौड़ूंगा, ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पर कंटिन्यू दौड़ करनी है सुबह, मॉर्निंग और आपका इवनिंग। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अभी आप डिफेंस एकेडमी देखेंगे, क्यों डिफेंस एकेडमी के चक्कर में पड़ रहे हो, 2 दिन आप डिफेंस एकेडमी सेट होने लग जाओगे, 2 दिन बाद वापस आने की लग जाएगी, तो मतलब आप डिफेंस एकेडमी के चक्कर में मत पड़ो, अभी आपको कोई डिफेंस वाला पास नहीं करा सकता, केवल अपने मन और अपने जी जान और लगन की मेहनत की बदौलत आप पास कर सकते हो, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। 5 किलोमीटर की दौड़ है ना, वो केवल आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो केवल आप यदि रुकोगे नहीं, एक स्पीड में दौड़ते रहो आराम से पास हो जाओगे दौड़, यदि आप रुक भी गए भाई, सबको पता है 200 मीटर दौड़ोगे या 300 मीटर दौड़ोगे, अपने पेट जवाब देते हैं रुक जाए यार कल दौड़ देंगे, बिल्कुल सबके देते, कितना बड़ा धावक है कोच, सबका ये बोला जाता है भाई, हाँ 300 मीटर दौड़ने के बाद सब बोल रहे यार रुक जा भाई रुक जा, क्यों रुक जा भाई, हमें वो दिन याद करना जब हमने रात बिताई इस रिटर्न के लिए, इस दिन के लिए हमने बहुत कुछ किया, तो बता दूं आपको अपना रुकना नहीं है, और जो बंदा 1 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ देगा ना आराम से पास हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, 1 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ेगा उसका शरीर गर्म हो जाएगा, तुरंत वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा। अब कई बच्चे कई यूट्यूबर बोल रहे हैं शरीर को पहले गर्म करो, गर्म कहाँ से करेंगे यार, ग्राउंड के अंदर गर्म कहाँ करोगे, गर्म करने का मौका कोई नहीं देता, कहाँ गर्म करोगे आप, आपको फॉर्म भरवाते नहीं, चेस्ट नंबर देते नहीं, ट्रक में डालो और छोड़ दिए 5 किलोमीटर दूर, कहाँ
हाँ कब गर्म करोगी, और जब आप गर्म करने लगोगे तो बच्चे बोल देंगे, गो बच्चे जाते रहेंगे, हाँ गर्म करोगे हमें बात करो। जैसे उठो सुबह फ्रेश हो, तुरंत जाओ ग्राउंड में दौड़ो, चाहे रोड में दौड़ो, जहां भी आप दौड़ रहे हो तुरंत दौड़ना स्टार्ट कर दो। यानी कि गर्म करने का वक्त नहीं है, वक्त गया गर्म करने का। आप शरीर को यदि गर्म करने में लगे ना तो आप गर्म करने का वहां मौका नहीं मिलेगा। कहाँ गर्म करोगे, कहाँ गर्म करोगे आप, तो अपने शरीर को इस तरीके से डाल लो 10 दिन के अंदर कि गर्म करने का मौका ना मिले। बस 1 किलोमीटर दौड़ो, शरीर अपने आप गर्म करेगा, पसीना अपने आप बाहर निकलेगा और आपका शरीर गर्म हो जाएगा। फिर आप दौड़ोगे 5 किलोमीटर, मना कौन कर रहा है, आराम से दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार मैंने आपकी यहाँ पर बता दूं, मैंने पूरी पूरी 15 दिन की तैयारी के अंदर ये पूरा फिजिकल निकाला है। मात्र 15 दिन में आपका मैंने ये फिजिकल निकाला है। आपके पास 10 दिन है, उस वक्त मेरे पास 15 दिन थे, आपके पास अभी 10 दिन है, 10 दिन में आप निकाल सकते हो। मैंने 15 दिन की तैयारी, मतलब 15 दिन को मैंने यहाँ पर 45 दिन में बदल दिया दोस्तों। यानी सुबह मॉर्निंग, और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कभी कभार तो मैं यहाँ पर 45 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ, मॉर्निंग के अंदर मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार 4 बजे सुबह और 6 बजे, कभी कभार तो 6 बजे फिर से दौड़ लगाने चला जाता, 2 किलोमीटर दौड़ के आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो मतलब आपको यहाँ पर अपने हिसाब से दौड़ना होगा, अपने हिसाब को अपने डाउन करना होगा, जिस प्रकार से आपको पास होना चाहते हो। तो अभी बता रहा हूँ, अपने जी जान और मेहनत के लगन के बदौलत आप पास हो सकते हो, बाकी आपको यहाँ पर कोई पास नहीं कर सकता। मैं आपको मोटिवेशन करने का काम करता हूँ, मैं आप में वो ऊर्जा भर देता हूँ जिस बच्चे में अभी कसमता नहीं है कि भाई मैं पास फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, नहीं आप पास हो गए। अपने माँ बाप की तरफ देख कर जाना, अपने सपनों की तरफ देख कर जाना, अपने घर की तरफ देख कर जाना, आगे वाले भविष्य की तरफ देखना। उस वक्त आपके जहन में ये आएगा, जाने दे मैं कल दौड़ दूंगा, नहीं उस वक्त हमें ये सोच रहा, नहीं आने आने दे चुनौती को, मैं स्वीकार करूंगा, ये बाधा है मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इसको पार करूंगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात उस वक्त अपने माँ बाप को दिल में रखना, अपने जो इष्ट देव उनको ध्यान में रखना, और जाते वक्त हमेशा अपने माता पिता और अपने इष्ट देव को प्रणाम जरूर करके जाना दोस्तों। सबसे पहले माता पिता, उसके बाद इष्ट देव को चरण स्पर्श करके जाना है दोस्तों, उसके बाद ही आपको फिजिकल देना। मैं बता रहा हूँ, माँ बाप की दुआओं में इतनी ताकत होती है, बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल हकीकत में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने कैसे पास किया मैंने बता दिया बिल्कुल डिटेल में, आगे रवाज आगे एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, सेपरेट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा डिटेल में आपको खुल के बता दूंगा मैं क्या क्या करता था, क्या अक्सर शायद आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जब भी मैं वीडियो डालू आपके सामने आपके लिए नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।